अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। और पार्षद दल ने भी आवेदन दिया है और आपके डीसी ने भी आवेदन दिया है, तो शुक्ला जी ने, क्या पूरा मामला है? बेसिकली आपके पार्षद और डिप्टी कमिश्नर के बीच में कुछ कहा सुनी की बात है और आवेदन इन्होंने थाने पे दिया है। ये फिलहाल तथ्य आपके द्वारा मेरे पास संज्ञान में आए, इस आवेदन को हम देख लेते हैं और क्या सत्यता की चीज़ें हैं उसकी हम लोग जाँच करवाएंगे। सर, ऐसी क्या स्थिति बनी कि इतना बड़ा मामला हो गया? बेसिकली जैसा आपको हमने बताया कि दोनों पक्षों ने अपने अपने आवेदन दिए हैं, जो कि इनके बीच में बातचीत या कहाँ सुनी हुई है, तो हम उसकी सत्यता की जांच करा लेंगे, उसके बाद में ही कुछ हम कह पाने की स्थिति में। सर, पिछली परिषद में भी अधिकारियों और पार्षदों के बीच में जो है सामंजस्य नहीं देखा गया था, उसमें आज ये विवाद की स्थिति निर्मित हुई है और कहीं ना कहीं इसमें पत्र व्यवहार भी हुआ था जिसमें पीसी का जिक्र कहीं किया गया है, इसको लेकर आप क्या कहना? बेसिकली परिषद का हम इस माध्यम से हम उल्लेख इसके नहीं कर सकते, लेकिन बात यदि रही किसी प्रकार का भी कोई पार्षद या कोई अन्य व्यक्ति या किसी के द्वारा कोई पत्र यदि दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई सुनिश्चित होती है, कि कार्रवाई हम लोग करते हैं। सर, और भी कई अन्य तथ्य भी संज्ञान में आते तो हम उस पर कार्रवाई। सर, इसमें नगर निगम के कार्य प्रभावित होंगे क्योंकि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों में इस तरह से झगड़ा हो रहा है, थाने तक मामला जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि अधिकारी और पार्षद दोनों के बीच में बेहतर सामंजस्य और तालमेल होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम एक विकास करने वाली संस्था है, तो इसमें मेरा मानना है कि आपसे सामंजस्य से ही जो है सारे कार्य होंगे। सर, चूँकि डीसी आपके पास बैठे हुए थे, क्या शुरुआत क्या बात बताया? बेसिकली मेरे पास में मैंने उपायुक्त को भी बुलाया था और उनके साथ में पार्षद दल भी सत्ता पक्ष नेता भी मेरे पास में आए थे, तो हम चूँकि प्रशासनिक मुखिया होने के नाते मैं दोनों पक्षों को पहले देख लें क्या चीज़ें हैं, उसके बाद ही कोई तरीके का हम कह पाएंगे। ठीक है।